खाना पसंद करोगे कि सब देखो लो देखो खाना कल के व्लॉग में ये आपको दिखेंगे कि दिखेंगे इस बार की मैं कोई गारंटी नहीं देती बचेंगे देखो एनर्जी आ गई इसमें दोस्तों उसमें डाल दिए केले और एप्पल जिससे कि वो लगेगा रचना का तो और देंगे फिर गुड मॉर्निंग मैडम मैडम गुड मॉर्निंग देख लो गर्म तो नहीं ज़्यादा दूध तो दोस्तों मैं ऑफिस जाना है पर इसका दुख रहा है सर दर्द हो रहा है अभी के लिए वीडियो में मत लो भाई तो मेरा ब्लॉग है ना मेरा कर्तव्य कर रहा हूँ मैं ब्लॉगिंग भी और प्लेयर्स का देखा तो गोली खा नहीं सकते टैबलेट नहीं खा सकते हैं क्योंकि डॉक्टर ने बोला तो है कि पैरासीटामोल ले लो पर रचना कहती नहीं मैं थोड़ा सह लूँगी ये हरा बाम भी लगाया है इंदौर का फेमस पर इससे भी उतना आराम नहीं लगा रचना मुझे जाना पड़ेगा तो कपड़ा बांध ले सर पे और कुछ खा लेना तो आज टिंडे की सब्जी बनी कौन गधा लाता होगा टिंडा कब से नहीं खाई एक डेढ़ साल हो गए टिंडे मैं भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है टिंडे इंदौर में टेंसी कहते हैं मुझे लगता है किसी कुत्ते का नाम है जो डॉग फीमेल डॉग होते हैं और फ्रेंड्स ये जो हरा बाम है ना ये इंदौर में ही बनता है और ये सच में बहुत इफेक्टिव होता है अगर आपको सर्दी खांसी है फुंसी फोड़े दांत खाज खुजली एक्जिमा जितनी अगर जलता भी है या कोई भी दर्द है बहुत सारी चीज़ें लिखी इसमें और ये सच में इफेक्टिव है। इवन मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था हाथ की मसल इतनी दुख रही थी एक बार लगाया और सही देखो सबसे अच्छी बात है कि इसमें एक चीज और अच्छे जो गीत का जो निमोनिया छोटे बच्चों का निमोनिया उसकी चेस्ट पे और पीठ पे लगा दो ना सही हो जाता है अब हम गीत का जो कंट्रोल में अभी है वो इससे है हमने इसमें पढ़ा डिटेल में तब लिखा था तब हमने और लगाया पहले हम डरते थे कि बच्चे को लगाएं कि नहीं ये अपन इसमें लिखा है पाइल्स के दर्द में होने पे मलम काम करता है बहुत बड़ी बात मतलब मैंने अपनी नानी सास को दिया था पापा मम्मी को दिया था मेरी दीदी की सास को भी दिया था तो दोबारा मंगाते क्योंकि उनको कभी पैर में घुटनों में दर्द होता है तो बहुत इफेक्टिव है इंदौर के बाहर पता नहीं मिलता कि नहीं हमें नहीं इंदौर से ही इंदौर मंगाया जाता है इंदौर में लोकल बनता है बहुत अच्छा है अगर आप लोग भी इंदौर से हैं आपको चाहिए तो मैं 50 रुपये ज्यादा लूंगा चलो आराम करो मुझे लेट हो जाएगा ऑफिस पे गीत को लेने फिर आना ही चलो तो टेंसी खा लेना जींस पहन के ऑफिस जाता है यार आज सैटरडे है तो क्या गर्लफ्रेंड आ रही मिल रहा फिर ट्रांसफर हो गया नहीं तो जरूर मिलती रोज उसको फिर खाने की टेंशन नहीं थी मुझे वो बेचारे ले आती थी कुछ ना कुछ वो कहती थी मालवी जी तुम कहती जानू वो कहती थी मालवी जी कितना अच्छा अपनापन लगता था चलो दोस्तों मैं तो चला अपने ऑफिस एंजॉय करने अब मेरी टू व्हीलर ख़राब हो करने लगी है यार मतलब कि अब उसको कहीं ना कहीं पिस्टन इंजन में काम आना मुझे ऐसा लग रहा है चलाने पे कभी भी खड़ी हो जाएगी और गीत रचना की जो एक्टिव है वो तो आप जानते हैं उसको कितने साल हो गए होंगे 2008 का मॉडल है तो कुछ नया खर्चा आने वाला लगता है दिस इज माई इंट्यूशन लेट्स सी बाकी जून में खर्चा आ ही रहा है बच्चा होगा तो और अभी जब से रचना की तबीयत खराब हुई उससे ना ब्लॉगिंग बहुत अच्छे से हो पा रही है नए ट्रेंड डल पा रहे हैं तो जो थोड़ी सी इनकम आती थी यूट्यूब से वो भी कम हो गई है या ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है तो हमको सोचना पड़ेगा आगे क्योंकि खर्चे बहुत सारे आने वाले हैं और थोड़ी सी इनकम बढ़ानी पड़ेगी देखते क्या करते हैं गीतू मंडे से एग्जाम है तैयारी हो गई है पूरी हाँ और आज पापा लेट हो गए 1:45 पे आज गीत को लेके आए पापा रचना परेशान होने लगी अब क्या करो ऑफिस में काम आ गया एकदम से तो क्या हो गए अच्छा वो गीत नहीं रो रही थी गीत खेली रही थी मैं रचना परेशान होने लगी दो फोन आ गए कॉल करो गीत पहले गेट ओपन करो सूज उतारेंगे फिर नहीं तो दोस्तों रचना का फ़ोन आया था कि सुबह से अभी जो सर दर्द था वो बंद नहीं हुआ है तो नहीं कहते उसको माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है वो टिकट हो गई और उसको रात को 3 बजे से दर्द कर रहा था जो कि उसने सुबह 8 या 9 बजे बताया तो बहुत बढ़ गया माइग्रेन बढ़ जाता है तो बहुत आराम से नहीं जाता है टाइम लेता है तो देखते हैं डॉक्टर से पूछता हूँ नहीं तो फिर मैं मेडिकल से लेके जाता हूँ कि दवाई और ऑफिस से जाना पड़ेगा थोड़ा 5-10 मिनट जल्दी
दोस्तों रचना वेट कर रही होगी क्योंकि मैं मंदिर रुक गया था क्योंकि आज शनिवार है, तो सोचा रचना और गीत के लिए धागा बनवा लें, जिससे नजर नहीं लगती है। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है, किसी ने मुझे सजेस्ट किया था, इससे पहले भी मैं करा चुका हूँ, उससे बहुत आराम है, नजर नहीं लगती से, तो हो सकता है रचना का सर दुख रहा हो, नजर लगती हुई लास्ट वीडियो में बहुत। उसके लिए कुछ प्रसाद में मीठा भी लेके जाना है, तो मीठे से हो जाए और डॉक्टर से दवाई ले ली है। दुख रहा है? हाँ ना ही नहीं लगता। नहीं ना है? नहीं ना है? ओ भैया मोते दुख रहे हैं, नहीं दिखा रहे, नहीं दिखा रहे। तो पानी गिर गया था, तो गीत पापा का हाथ बताती हुई घर की बड़ी लड़की दीदी जिम्मेदार, और ये जो फैलाती इधर इसका कौन करेगा, ये जिम्मेदारी कहाँ से आई, पूरी ABCD यू अभी चिपका दी है, कभी यहाँ चिपकाते हैं, ये सर ऐसा होता है, कीला तो ये पूरा रखा है, ऐसे नहीं उल्टा करो, ऐसे ऐसे करो, अब करो, ये बात, ये वेरी गुड। मम्मी का तो नहीं, पापा का हाथ बटाती, मम्मी का नहीं बटाती थी ना, क्यों रचना अब तो दिखा दूँ, ना ही नहीं रचना अच्छी। तो दोस्तों अभी भी सरदर्द बंद नहीं हुआ है, मैं पैरासीटामोल खाई है, पैरासिप आधी आधी दी, क्योंकि रचना डर रही थी कि कुछ हार्मफुल ना हो, मैंने अभी खाना तो बना लिया है, थोड़ा अच्छा लगे तो खाना खाए, नहीं तो फिर क्या उल्टी उल्टी ना हो जाएगी। मैडम कल तो वो चमक छल्लो बनने घूम रही थी तुम, आज क्या हुआ, नज़र लग गई, नज़र ही लगी है, अभी नज़र भी उतारी मैंने, जो जितना मुझे आता था वो गिरेगी, गीत कहाँ चढ़ रही है, क्या कर रहे हो हैंड में, और ये उल्टी पज्जी क्यों पहनती है, खुद से पहनती है ना, पहले उल्टा सीधा सीख लो, अभी देखो इस पे खड़े होके अभी वो कर रहे हैं हैंड वॉश, कर लो फिर खाना खाएंगे। तो दोस्तों डिनर रचना को बड़े मुश्किल से करा दिया, मैडम से बात करें, क्या बोली मैडम, गायनिक से बात करी थी मैडम, मैम दवाई बताई है, वो सुबह ही लेंगे, अब नहीं ले रहे, तो अभी ले आता हूँ ना जाके, कितना बज गया, खाली पेट लेनी है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने बनियान उल्टी पहन ली यार, हद हो गई यार, हद, किस्मत भी कैसी है। दो सब देख लो क्या क्या सोच रही, दो मिनट रुक जाएगी बेटा, मम्मी कुछ कह रही है, मैं कह रही हूँ मुझे नीमच छोड़ दो, पता नहीं नीमच दीदी क्या रह लूंगी, मेरी केयर भी हो जाएगी और आप भी परेशान नहीं हो, तो दीदी केयर कर लेंगी तेरी, अरे वहाँ सब है, तो मैं क्या केयर नहीं कर रहा हूँ, अरे तू परेशान हो रहा है, तो परेशानी तो हो रहा, और क्या कर रहा हूँ, तो नहीं ना कुछ हो रहा मेरा, दीदी तो आ नहीं सकती, बच्चों के एग्जाम है, मम्मी तो, है, सुनकी मम्मी है, हाँ सबके मम्मी है, मेरी मम्मी नहीं है बस अभी। तो ये उल्टी सीधी बातें ना करें मैडम, कदर हर लड़की जाती है मायके, मायके नहीं तो दीदी क्या हम जा सकते, मायके बच्चा मेरा तो कुछ नहीं बचा, मैं देख अपन दोनों एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है, तीसरा आदमी तो मैं ही तेरी केयर करूंगा, जैसे थोड़ी हो रही ज्यादा हो रही, चिल्ला चिल्लू को कर नहीं करता हूँ मैं, थोड़ी हो रही है ज्यादा हो रही, केयर तो केयर कर रहा हूँ, क्या करे यार, कोई नहीं अपने तो नौटंकी देख लो ज्यादा। इसलिए तुझसे अभी भी कहता हूँ दूसरी शादी कर लेने, अभी 11 हो भी गई है और मुहूर्त शुरू हो गए हैं, अब देखो सेकंड मैरिज में कोई विवाह का मुहूर्त की जरूरत नहीं है। वाह, तो इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड, मतलब इस चैनल के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूँ, तो वो आ जाए, रचना का ध्यान रख लेना, बाकी ठीक है फिर तो आने वाली है, ऐसे होगा ना फिर वो कभी होगी। मेहनत करो, सब उल्टी टी शर्ट पहन के घूम रहा है यार, इवन वो ये देखो दाग भी लग गए हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई मैकेनिक हूँ उसमें, ऐसी बातें करते हो दोस्तों, देख लो वो मैं, मैं कायदे सर ने आपका तो सबको दुख रहा होगा, पर मैं कायदे की बात करी, अगर आप लोग उस कायदे की बात से अगर एग्री हैं तो प्लीज़ कमेंट करना कि हाँ भैया को दूसरी शादी कर लेना चाहिए, जिससे कि एक दूसरे की हेल्प होगी, नथिंग एल्स। देखो खाना तो कल के ब्लॉग में ये आपको दिखेंगे कि लिखेंगे, इस बात की मैं कोई गारंटी नहीं दे, मैं क्यों नहीं लिखूंगा, मैं तो ये बता रहा हूँ खाना वाली वो दीदी के पैसे बचेंगे। देखो एनर्जी आ गई इसमें, दूसरी मैरिज के नाम पे महिलाओं में एनर्जी आ गई, अभी फटाफट काम कर ले, अगर कल उठ के काम नहीं किया तो दूसरी मैरिज हो जाएगी और यहाँ पे कोई मिलेगी, देख लेना, और इस बार आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस,
तो दोस्तों चलो ये बाय करते हैं, ये तो फालतू बातें, खाना खिला ही दिया जबरदस्ती को पकड़ के, ये अभी बलून खत्म ही नहीं हुए हैं तो धीरे धीरे फूट रहे हैं। तो दोस्तों मेरे आंसू आ रहे हैं बार बार, तो मिलते हैं कल। प्लीज सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल को जिसका नाम है क्रेजी इंदौरी कपल, और इंदौर से है तो प्लीज कमेंट करेगा। और एक छोटा सा प्रोग्राम रखना चाह रहे हैं जल्दी, तो आपको इसकी आपकी जरूरत पड़ेगी हमको। तो बाय, टेक केयर, जय माता दी।